हेलो दोस्तों, तो आज की मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करेंगे IPS, IAS और UPSC या कोई भी ऐसा PCS एग्ज़ाम जो आपके स्टेट में होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या IAS, IPS या PCS या कोई भी स्टेट अधिकारी के हम बन सकते हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर आती है तो डेफिनेटली हम बन सकते हैं, क्योंकि जो बने हैं वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि UPSC के लिए क्या कोचिंग ज़रूरी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने भी IAS या IPS बने हैं उनमें से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के सक्सेस हुए। तो बेसिकली ये बात हमारे दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि बिना कोचिंग के हम नहीं बन सकते। तो ये बात क्लियर होने के बाद हमारे दिमाग में ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बिना कोचिंग के बन सकते हैं तो कौन सी ऐसी बुक्स है जो हमें पढ़नी चाहिए जो डेफिनेटली हमें सक्सेस दिला सके इस एग्ज़ाम में। तो आज मैं उसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो ऐसी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जब उन बुक्स को पढ़ोगे और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट। तो चलिए उन IAS, IPS या सब एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट और नीडेडली जो बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली बुक है वो है भारत 2018। ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो UPSC का जो जितना भी सिलेबस है सारा कवर हो जाता है ओवरऑल, क्योंकि इसमें जो सारा सिलेबस है वो शॉर्ट में, अगर आप शॉर्ट में समझोगे तो डीपली जाने में आपको बहुत आसानी होगी, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आती है भूगोल की, वो भूगोल आप ले सकते हो DR कुलर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है UPSC की मेंस एग्जाम के लिए। जो तीसरे नंबर पर बुक्स आती है वो आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि राजीव अहिर की ले सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है और ये आपको समझ में भी आएगी। जो जो नंबर अगली बुक से वो भारतीय राजव्यवस्था, जो कि आप MLXP काम की ले सकते हो। पॉलिटी के लिए MLXMIकांत के अलावा ऐसी कोई बुक बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये भारत की सबसे बेस्ट बुक है। जो अगले नंबर पर आती है ऑक्सफर्ड स्कूल एटलस, जो कि मानचित्र है जिससे आपको भूगोल या इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक जो समझ में नहीं आएंगे वो इसमें आप समझ सकते हो। और जो अगले नंबर की वो भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की द बेस्ट, इंडिया की द बेस्ट बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए रमेश सिंह की, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। जो अगली बुक्स है वो है भारतीय कला एवं संस्कृति की, तो नितिन सिंघानिया द बेस्ट बुक्स इस, क्योंकि ये टॉपर्स की बताई बुक्स है और ये काफ़ी प्रचलित बुक्स है। जो अगली बुक्स है पर्यावरण पारिस्थिति की, इसके लिए आप माजिद हुसैन को ले सकते हैं, और भी बहुत सी बुक्स है लेकिन पर्यावरण के लिए आप माजिद हुसैन अच्छी होती है और भी बहुत बढ़िया है। और अगली बुक से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास के लिए सिलवन सिंह या स्पेक्ट्रम की आप ले सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कोई सी भी लो आप, सब बढ़िया है। और अगली है नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिवृत्ति की, ये जी गुब्बा की आप ले सकते हो।